हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एग पराठा। तो इसके लिए मैं ये जो वेजीज हैं ये थोड़े से ऑयल में, 2 टेबलस्पून ऑयल में सॉटे कर रही हूँ। इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज है, इन्हें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फिर इसके अंदर मैं एक अंडा डालूँगी और नमक, मिर्च, मसाले और थोड़ी सी कोई चटनी या फिर ये शेजवान सॉस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने एग डाल दिया और ये मैंने छोड़ी शेजवान सॉस, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। और हम इसको अच्छे से मिला देंगे, इसको हम एक तरह से अंडे की भुजी के फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। हम इसको इस टाइप से स्क्रैम्बल्ड एग की फॉर्म में बना लेंगे। फिर हम ये परांठे के लिए रोटी तैयार करेंगे और इस रोटी के अंदर हम ये सारी इसकी अंडे की फिलिंग करेंगे। जी देखिए मैंने इस पर फिलिंग कर दी और अब हम इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रख देंगे। फिर इसकी जितनी इसकी सारी बाउंड्रीज हैं, इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और पानी से हम इसको फोल्ड करेंगे। मैं दिखाती हूँ कैसे, डाब डाब करके हम पानी लेंगे और इसकी सारी बाउंड्रीज़ को हम इस टाइप से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये चावल का आटा है तो आप अगर गेहूं के आटे की बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट बनेगी, मैं चावल के आटे की बना रही हूँ। देखते हैं अब इसको हम सेक लेंगे। ये देखिए हमने इसको तवे पे सेक लिया है दोनों साइड से, ऊपर से नीचे से। और आपको अगर लगता है इसकी ये जो सराउंडिंग ये जो है साइड वाली ये स्टिकी नहीं है तो आप इसको चिमटे से पकड़िए और ऐसे टर्न कीजिए और इसको सेक लीजिए। ये देखिए हमारा यम्मी सा एक पराठा बिल्कुल रेडी है। हम इसको ऑरिगेनो और चिली फ्लेक से सर्व करेंगे, बहुत यम्मी लगेगा, बहुत यम्मी। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको बीच में से। ये देखिए इसकी फिलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।